हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। सुबह के 7 बज रहे हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ आलू का ड्रेस वॉश करने। लंच वगैरह उसका तैयार हो गया, टिफिन मैंने रख दी, यूनिफॉर्म प्रेस कर दूँ, फिर मैं उसे थोड़ी देर में जगाऊंगी। मुझे प्रेस करना नहीं आता, फिर भी मैं करती हूँ। जैसा भी करती हूँ ठीक ही ठाक, मतलब ठीक ठाक ही करती हूँ। स्कर्ट उसकी हो गई। टी शर्ट भी हो गया, मेरा काम ख़त्म। अभी थोड़ी देर में मानू को जगाऊंगी, फिर उसके बाद उसको ब्रश कराना, नहलाना, फिर रेडी करना। ये सब करने के बाद मैं आपसे फिर से मिलूंगी। जब वानू को रेडी करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अभी वानिका रेडी हो गई स्कूल के लिए, सो अभी चलो शूज पहनाते हैं तुमको। बाय बाय वानू। चली गई स्कूल और अभी मेरा काम शुरू, किचन समेटना, उसके बाद नहाना है। और हाँ, सबको सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मेरा फास्ट भी है। सारा काम करने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। मत देखिए बारिश बहुत हो रही है, तो ऐसे ही हॉल में कपड़े डालने पड़ते हैं। नहा वहा के सारे काम हो गए हैं, बस सारे काम मीन्स पूजा, खाने की तैयारी करने। खाने की तैयारी, मैंने चढ़ा दिया है। और अब अभी वानू आ रही होगी, वानू को लेने गए उसके पापा। और घर की हालत कुछ ऐसी है, चारों तरफ कपड़े 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 कपड़े, क्योंकि हॉल के अलावा डालने की जगह कहीं नहीं है, सिर्फ हॉल ही है जिसमें कपड़े डाल सकते हैं। और बाहर तो बारिश बारिश थोड़ा सा लो सा लग रहा है, लेकिन ठीक है, आप लोगों से बातें करके सारी ठीक हो जाए। और प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप सबसे। और क्या कहूँ, यही कह सकती हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। पानों का वेट कर रहे हैं, आ ही रही हो। बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है, बस आज इतने दिन बाद सुबह को थोड़ा सा धूप निकली थी और मुझे लगा सारे कपड़े मेरे सूख जाएंगे, मैं बाहर जल्दी से डाल दूँ, पर फिर थोड़ी देर ही। पर बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ हो रही है और यूपी में बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। सब लोग मना रहे हैं, पूजा चल रही है बारिश होने के लिए, कि बारिश हो जाए। नहीं, बहुत ज़रूरी भी है बारिश होना, सारे किसान बेचारे बहुत परेशान होंगे। मानू अभी मैं देख के आती हूँ। ए बी सी डी लिखाया गया बस, देखो तो फिनिश। आज तो तुम्हारे सारे मन की चीजें थी, इसका मतलब है ना। एक मिनट एक मिनट, आ जाओ। अब फेस पे क्या लगाया तुमने यहाँ सब? कुछ सेम को अपनी पसंद का पहनना है, मुझे ये नहीं पहनना था, मुझे तो दूसरा कुछ पहनना था। अभी मौज कराते हैं तुम्हारी, अब चलो मौज किया जाए। स्कूल में मौज नहीं करके आई क्या? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कहाँ, आँख में? ये उतार को फेंको, इसको नहीं पहनना है, तुम्हें चोट लग रही है। मैं छोटी वाली वो पहन रही हूँ, अपनी वाली, तुम्हारी जो नानी दी है। तो अभी तुम्हारा तो वैसे भी कान में नहीं जाएगा ना, तुम्हारा कान चिराएगी मैंने, तो हम पहन लेते हैं थोड़ी। जब तक तुम्हारा कान नहीं चिरता तब तक सब कुछ हम पहन सकते हैं, है ना। हमारा तुम्हारा एक ही गया। तुम इतनी बड़ी हो गई, अब गोदी क्या ले? गोदी गोदी लो। हेलो कर लो। हाय हाय, वानू स्कूल से आ गई। वानू के लिए खाना निकाल रही हूँ, उसको खाना खिला लूँ, काफी देर हो गया है। वानी का कलर नीच। वानू आजा बेटा, खाना आजा। नहीं बेटा, नहीं खाना नहीं कहते हैं, खाना तो खाना खाना पड़ेगा, फिर छोटी छोटी रह जाओगी, बड़ी नहीं हो ना, बाल नहीं बड़े करना। तुमने कहा था मुझे बाल बड़े करना है ना, जल्दी आओ। वो तुम्हारी कुरकुरी वाली सब्जी बनाई है, आलू की भुजिया। अच्छा मेरा बेटा, देखो सब लोग क्या कहेंगे, वानू खाना नहीं खाती है। मतलब हमने पहले भी देखा है कि वो ऐसे ही करता है, कि किसी का काम ना करना पड़े वो। हाय, मैंने आज स्कूल में क्या किया है? बताओ क्या किया? क्रॉस किया है और खेला है वहाँ पर, मजे की अपने स्कूल पर। हाँ, खाया यम यम कुरकुरे आला। कुरकुरे आलू? कुरकुरे वाला नहीं, आलू की भुजिया, कुरकुरी कुरकुरी। और हाँ, वानू वानू अभी भी दूध पीती है बॉटल से, ग्लास से नहीं पीती। ग्लास से पियो बेटा, बड़ी हो गई हो। सब लोग क्या कहेंगे, कहेंगे इतनी बड़ी हो गई है अब। एबीसीडी तो तुम्हें आती है? स्कूल में बोले तो एबीसीडी तो गलत हो गया था। गलत हो गया था? कैसे गलत हो गया, तुम भूल जाती हो।
तभी तुमको पापा कहते हैं तारे जमीन पे। सारे काम मेरे हो गए हैं और अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा लो लग रहा है, तबीयत भी नहीं ठीक है। पता नहीं क्या था आज रात में, मैं मतलब पूरी रात बीत गई, सुबह को 4:30 बजे मुझे नींद आई और फिर सुबह ही उठ गई 6:30 पे ही। अभी वानू भाग रही है और अभी मैं दिखाती हूँ कि वानू के पापा क्या कर रहे हैं। ऑफिस का काम। पूरी रात सो नहीं पाई और इतने समय थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, तो मुझे नींद से आ गई और सो गई मैं। और अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो अब उठी हूँ, चाय बनाते हैं। ये अजीब सा हो रहा है, हो सकता है चाय पीने में थोड़ा सा ठीक लगे, तो चाय बनाते हैं। शैतानी चाय बन जाती है फिर मैं आपसे बात करती हूँ, फिर बहुत ढेर सारी बात करनी। हेलो फ्रेंड्स, चाय बन गई और डिजर्ट लेके आए हैं। रात लगा दिया क्योंकि बहुत सारी आवाज़ आ रही थी गाड़ियों की, तो फिर आवाज़ नहीं आती मेरी, तो मैंने कहा कि और बाहर कुछ ऐसा है ना। चाय आप लोगों को अपने बारे में आज इसी ब्लॉग में, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं इसके लिए अलग से ब्लॉग बनाती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ और अभी कहाँ हूँ। शायद कुछ लोग व्यू और मॉल, अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी होगी कल वाली, तो मॉल वगैरह देख के पता चल गया होगा, मतलब कल के आज ही वाली, कि मैं कहाँ से हूँ और अभी कहाँ रह रही हूँ और सारी मतलब और भी सारी चीज़ें अपने बारे में। अभी चाय वाय पीने के बाद हो गए हैं ढेर सारे बर्तन, अब इसको धुलना है। वानू अपने दो बॉटल ले आओ, धुल दो वगैरह, धुल गए। हेलो दोस्तों, और अब हो गए हैं रात, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है और अभी मैं बहुत वीक महसूस कर रही हूँ, तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो मैंने कहा अभी ये कंटिन्यू करना ज़रूरी नहीं है भाई, सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वजह से अभी मैं ये एंड करती हूँ। और सबसे अनुरोध करती हूँ, विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे भी ढेर सारा प्यार दीजिए, तो मैं भी थोड़ा और मजबूत होंगी, थोड़ा अच्छे से और खुल पाऊँगी, क्योंकि अभी ये सब मेरे लिए बहुत नया है और नया भी है और इतना आसान नहीं है कि अपने आप से बात करना इतना आसान नहीं है। जो करते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो उनको भाई बहुत ही ज़्यादा शायद इस मुकाम पे इसी वजह से पहुँचे हैं। मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं इतने बड़े मुकाम पे नहीं, लेकिन कुछ तो कहीं तक तो पहुँच सकूँ, क्योंकि मुझे भी अपना अपने आप को बनाना है, देखना है कि मैं दिखाना भी है लोगों को कि मैं भी कुछ हूँ, और खुद को भी देखना है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। अभी तक लगता था कुछ नहीं कर सकती, बस यही खाना बनाना, झाड़ू पोछा कर सकती हूँ और कुछ नहीं, लेकिन अभी मुझे लगने लगा है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो उसके लिए आपका सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो ये एंड करती हूँ और फिर कल मिलते, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कल मिलती हूँ। थैंक यू और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।